जो जो पहाड़ी साधक हैं, जो पहाड़ी हैं, वो लोग हाथ ऊपर करो। पहाड़ी है, आगे भी पहाड़ी, पीछे भी पहाड़ी है। ठीक है, इनको प्रसाद खिलाएंगे पहाड़ी। इधर हवा बहुत अच्छी है, बाकी सब महंगा, हवा सस्ती। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि, हरिओम हरि। जो कल नहीं आए थे, आज आए, वे हाथ ऊपर करो। आज पहाड़ी भी बढ़ गए, दूसरे भी बढ़ गए। ठीक है, पहाड़ियों को तो ऋषि प्रसाद के द्वारा पता चला होगा, बाकी सब लोगों को पता नहीं कि अपने शरीर में जीवनी शक्ति हर 2 घंटे में जगह बदलती। जहां जीवनी शक्ति का जिस समय प्रभाव हो, वह काम करने से जीवन मजबूत रहता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, मनोबल, बुद्धि बल, प्रतिक्रिया सब बढ़िया रहता है। जैसे सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती है, 5 बजे नहीं तो 3 बजे नहीं तो 4 बजे, 4:30 बजे, हम तो 2:45 बजे उठ गए थे, प्राणायाम कर लिया, तो प्राण शक्ति मजबूत होगी, तो मन शक्ति भी मजबूत होगी, बुद्धि भी मजबूत होगी। 4 से 5 के बीच प्राणायाम कर ले, जीवनी शक्ति बढ़ेगी। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आत्म में होती है, उस समय घूमना, कसरत करना, पानी पीना, शौच जाना आदि काम निपटा ले तो पेट की खराबी नहीं होगी। किसी को पेट की खराबी तो ये करे तो ठीक हो जाएगा बिना दवाई के। 5 से 7 के बीच कसरत, घूमना, पानी पीना और शौच का काम पूरा कर लेना चाहिए। 7 के बाद जो लेटरिन जाते हैं उनके पेट की गड़बड़ बनी रहती है थोड़ी बहुत। 7 से 9 जीवनी शक्ति
आमाशय में होती है, उस समय भी थोड़ा कुछ पेय पी ले, और पेय में अगर आंवले का रस मिलता है तो ओहो बूढ़ा भी जवान हो जाए। 10-15 ग्राम आंवले का रस, उतना ही पानी 20-25 ग्राम डाल दे भले, थोड़ा सा शक्कर मिश्री शायद जो भी डाले, अगर कम बलवान बनना है तो घी डाल दे तो, और वो गुनगुना कर दे भी। और वो चुस्की लेके पिए, आए बाप रे नई कोशिकाएं बनेगी, आंवले का रस रसायन है, कई बीमारियों को भी भगाए और बुढ़ापे को दूर रखे जवान बना देवे। तो 7 से 9 के बीच वो पी लेवे, अथवा शाम को 3 से 5 के बीच पी लेवे, अथवा भोजन के बीच में घूंट भर भर के पी ले तो ताकत बहुत आएगी। आंवले का रस समिति वाले लाए हैं, इधर आंवले नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो महंगे मिले, रस की बोतल यहाँ पहाड़ में तो प्रसाद रूप में सस्ते में कर दे। फिर 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति अग्नाशय में होती है, जठरा में। बीमार व्यक्ति हो, बालक हो, डायबिटीज वाला हो, उसको तो 9 से 11 के बीच भोजन करा ही देना चाहिए। और दूसरे लोग भी 9 से 11 के बीच भोजन करेंगे तो उनका स्वास्थ्य और पाचन अच्छा हो जाएगा। 10 बजे कर ले, 10:30, 11 बजे पूरा कर ले। हमने जब से ये नियम सुनाया है और आश्रम में चालू किया है तो हमारे सभी आश्रमवासियों को, बच्चों को, बच्चियों को और आश्रम के साधकों को बड़ा फायदा हुआ है। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है, उस समय हृदय को विकसित करने का काम कर लेना चाहिए, जैसे संध्या है, सुमरण है, सेवा है, हृदय को आनंद से, सेवा से, परोपकार से भरने वाले काम कर, तो उस हृदय का विकास होता है 11 से 1 के बीच। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है, उस समय भोजन करेगा 1 से 3 तो वो बीमार रहेगा। 1 से 3 के बीच जो भोजन करेगा, खाना खाएगा, उसको कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, 1 से 3 बजे तक भोजन नुकसान करता है, क्योंकि 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है। तो जो 11 बजे भोजन कर लिया, 2 घंटे के बाद उसका रस बन गया, तो रस खींचता है छोटी आंत और सारे शरीरों को पहुंचाती है। तो उस समय अगर खाना खाया तो फिर वो कच्चा रस खींचेगा, तो जैसे चावल पक रहे फिर कच्चे चावल डाले, सब्जी बन रही है फिर दूसरी कच्ची सब्जी डाली तो सब्जी बिगड़ जाती है, ऐसे ही उनका तबीयत और शरीर बिगड़ जाता है 1 से 3 के बीच जो भोजन करते। वैसे तो 11 बजे कर लेना चाहिए, नहीं तो भी 12:30 के बाद तो भोजन नहीं करें। आप आजकल दवाइयां भी बढ़ गई, डॉक्टर भी बढ़ गए, फिर भी ऐसी व्यवस्था है कि लोग बीमारी भी बढ़ गई, कोई भी 11 बजे नहीं खा लेता, कोई कोई खाता होगा। एक बड़ा जाना माना वकील था, 92 साल की उम्र में कार चला के मेरे सत्संग में आके बैठता था। मैं क्या इस उम्र में तुम अभी कोर्ट में भी जाते, इतना तुम कितने बजे खाना खाते सुबह? बोले मैं 10 बजे खा लेता हूँ। तो 92 साल का है और गाड़ी चला के सत्संग में आवे, कोर्ट में जावे, 2-2 घंटा बैठ करे,